Some property of pass transistor and transmission gate. आज हम transmission gate की property कर रहे हैं. देखिए इसके क्या properties हैं. हम NMOS करते हैं, CMOS करते हैं. देखिए NMOS में NMOS और P N pass और P pass transistors होते हैं. इसके अलग-अलग properties होती हैं. सबसे पहले हम N switch कर रहे हैं. ये है हमारे पास एक N switch, जिसकी एक input है, एक output है और एक gate है. यहाँ से input है, ये आउटपुट और गेट से हम जो भी लॉजिक स्विच करेंगे वो जाएगा. मान लीजिए कि हमने इनपुट पे प्लस 5 वोल्ट स्विच किया है, 0 वोल्ट से 5 वोल्ट, यानी कि लॉजिक 1 स्विच किया है इनपुट से. लॉजिक 1 प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई है. अब सेम एक्स यानी गेट से हमने यहां पे भी प्लस 5 वोल्ट स्विच किया है, यानी लॉजिक 1 स्विच किया है. यहां से भी 1 गया, यहां से भी 1 गया, मींस टू से यहां से भी 5 वोल्ट और यहां से भी 5 वोल्ट. लेकिन इसकी जो आउटपुट आएगी ना, वो लॉजिक 1 नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन होती है, डिग्रेड होता है. अगर मान लीजिए यहां पे लॉजिक 1 है, ये लॉजिक 1 है, तो आउटपुट प्लस 5 वोल्ट नहीं आएगी. ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, लेकिन ये 5 वोल्ट नहीं आएगी. इसमें जो 1 होगा, ठीक है ना, माइनस में डिग्रेडेशन होगी लॉजिक 1 से, यानी अपर लेवल से 1 वोल्ट की डिग्रेडेशन हो जाएगी. ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा, पॉइंट होगा n के केस में, यानी इतनी जो है, ये जो पॉइंट है, इतना पॉइंट, इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी और आउटपुट पे प्लस 4 वोल्ट ही आएगी. ठीक है, n स्विच के केस में डिग्रेड हो रहा है लॉजिक 1 से, यानी अपर लेवल से. नेक्स्ट, अगर p स्विच की बात करें, सेम हमने p स्विच लिया है, एक इनपुट है, एक आउटपुट है और गेट है. गेट ये P स्विच है, ठीक है ना, ये P को रिप्रेजेंट कर रहा है. सेम कंडीशन यही है, इनपुट पे हमने 5 वोल्ट ली है जैसे हमने पहले ली थी, और यहां पे गेट पे भी हमने 5 वोल्ट यानी लॉजिक 1 ही लिया है, लेकिन आउटपुट पे अगेन 5 वोल्ट नहीं आएगी. ठीक है, अगेन 5 वोल्ट नहीं आएगी. P स्विच में भी डिग्रेडेशन होती है, लेकिन 0 से, लॉजिक 0 से डिग्रेडेशन होगी. ये 0 से 4 लेवल तक था, और ये जो होगा 1 से 5 वोल्ट, 1 वोल्ट से 5 वोल्ट तक आउटपुट आएगी. ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, वो डिग्रेड हो जाएगा, यानी नीचे वाला लोअर पार्ट 1 वोल्ट लोअर, वो डिग्रेड हो जाएगा, और ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा P का. तो इसमें क्या होता है, जब भी हम इन्हें स्विच करते हैं, पास ट्रांजिस्टर ट्रांसमिशन गेट्स होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिग्रेडेशन होती है. हम जितना इनपुट दिया है उतना ही हमारे पास आउटपुट नहीं आता है, थोड़ी डिग्रेडेशन. अगर एन के केस में देखते हैं तो अपर पार्ट से 1 वोल्ट की डिग्रेडेशन होती है, और अगर पी के केस में देखते हैं तो लोअर पार्ट से यानी कि नीचे से 1 की डिग्रेडेशन होती है. अब दूसरे कंडीशन लेते हैं ट्रांसमिशन गेट की. ट्रांसमिशन गेट की बात करें, ये हमारे ट्रांसमिशन गेट है. ट्रांसमिशन गेट में क्या होता है कि इनपुट 5 वोल्ट की है, सेम वही कंडीशन में 5 वोल्ट की है, और हमने 5 वोल्ट की ही सप्लाई प्रोवाइड की है, तो आउटपुट जो आती है वो कंप्लीट 5 वोल्ट की आती है. इसमें कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होती है, ठीक है ना. ट्रांसमिशन गेट के केस में जो लॉजिक लेवल होता है वो गुड होता है, अच्छा लॉजिक लेवल होता है, और ये ट्रांसमिशन गेट सिंबल को रिप्रेजेंट करता है. ये जो सिंबल है, ये ट्रांसमिशन गेट का सिंबल होता है, ठीक है. ये है एक्स, तो यहां पे x कॉम्प्लीमेंट होगा. हम 5 वोल्ट है, तो आउटपुट कंप्लीट वही आएगी जितनी हमें चाहिए, गुड लॉजिक लेवल आउटपुट इसमें प्रोड्यूस होती है. जबकि n के केस में ऐसा नहीं होता, n और p में, जो कि हमने अभी पीछे किया था, ये CMOS के केस में है. तो अब देखिए दूसरी कंडीशन, एक और कंडीशन देते हैं. हमने क्या लिया है, एक और n लिया है, n लॉजिक लिया है, NMOS लिया है, n स्विच लिया है. अब यहां पे लॉजिक 1 है यानी 5 वोल्ट है, यहां पे VDD, ये मान लीजिए ये भी 5 वोल्ट है. तो मैं जैसे कि मैंने कहा था कि कंप्लीट आउटपुट नहीं आती है, डिग्रेड होती है, n में अपर से 1 वोल्ट डिग्रेड हो जाती है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, VDD माइनस VTP, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज पॉइंट होगा. और इसी आउटपुट को मैंने दूसरे ट्रांजिस्टर पे अप्लाई कर दिया, तो यहां पे भी लॉजिक 1 इनपुट है, लेकिन ये जो आउटपुट है ये कंप्लीट 5 वोल्ट नहीं है,
ये जो आउटपुट है यहां से डिग्रेड हुई है 1 वोल्ट, तो ये कंप्लीट 5 वोल्ट नहीं है और ये कंप्लीट इनपुट पे यहां पे गेट पे नहीं जाएगी। तो यहां पे जो आउटपुट आएगी अगेन क्या होगी, वीडीडी माइनस 2 वीटीपी आ जाएगी। ये वीडीडी माइनस वीटीपी थी, माई वीडीडी माइनस 2 वीटीपी हो जाएगी। तो कहने की बात कंडीशन ये है कि अगर हम यहाँ पे 5 वोल्ट दे रहे हैं तो 1 वोल्ट की यहाँ पे डिग्रेडेशन होगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको दूसरे ट्रांजिस्टर में पास कर रहे हैं तो कंप्लीट लॉजिक नहीं जाएगा, 1 वोल्ट की डिग्रेडेशन हो जाती है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि लॉजिक लेवल 1 जो होगा वो लॉस हो जाएगा अगर गेट जो होगे पास ट्रांजिस्टर के, उसको एक ट्रांजिस्टर के आउटपुट से दूसरे ट्रांजिस्टर के गेट पे उसे सप्लाई प्रोवाइड कर दी जाए और दूसरे से तीसरे पे कर दी जाए, तो क्या होगा कि लॉजिक लेवल 1 जो होगा ना वो कंप्लीटली लॉस हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज होती है पास ट्रांजिस्टर के और ट्रांसमिशन गेट की। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।